हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके मार्गदर्शन चैनल में। आज का मेरा टॉपिक सुबह में आए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर आधारित है। यह निर्णय 11 अगस्त 2020 को आया है। इस निर्णय में पैतृक संपत्ति के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटी को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में एक बेटे के ही समान समान अधिकार है। इसके संदर्भ में हम आगे बात करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि इस संदर्भ में पिता के पास जो भी संपत्ति है पैतृक संपत्ति के रूप में, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद एक हिस्सा बेटी का अवश्य होगा, भले ही उसका पिता जीवित हो या न जीवित हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेटियों को ये अधिकार उनके जन्म से प्राप्त होगा। आइए अब हम पूर्व की स्थिति को समझते हैं। इसके पूर्व की स्थिति क्या थी? इसके पूर्व ये स्थिति थी कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पूर्व हो जाती थी तो वहाँ बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार की प्राप्ति नहीं होती थी। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुनने के पश्चात अपने निर्णय को देते हुए ये बात कहा कि अब एक बेटी का अपने पिता की पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा, पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पूर्व हुई हो या पश्चात हुई हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात बताई कि पैतृक संपत्ति के संबंध में पिता किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकता। अर्थात अगर एक पिता को 8 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं तो वहाँ पे उसे अपनी संपत्ति का सभी को वितरण करना होगा, वो भी पैतृक संपत्ति का। इसके बाद हम बातें करते हैं कि पैतृक संपत्ति में अगर पिता चाहे तो किसी एक बच्चे के नाम से वसीयत नहीं कर सकता। अर्थात अगर उसके 3 बच्चे हैं तो उसे तीनों बच्चों को अपनी वसीयत करनी होगी पैतृक संपत्ति के संदर्भ में। अब उसके बाद उन्होंने ये बात बोला कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देने से कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता। अर्थात पैतृक संपत्ति है, पिता ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें ये संपत्ति नहीं दूंगा, यानी कि बेटियों का ये अधिकार है कि वो अपने पिता की पैतृक संपत्ति पे हक जमा सकती हैं। उसके बाद एक विषय आता है कि पिता की मृत्यु यदि बिना वसीयत किए हो गई तब क्या होगा। अगर ऐसा होता है कि पिता अपनी वसीयत के बिना ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस संदर्भ में बेटा और बेटी को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा। अब इसके पश्चात जब पूरी सुनवाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी निर्देश दिया कि जहाँ पर बेटियों के हक की बात आती है, उनके हक से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं, वहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर ही अंदर निपटारा कर दिया जाए, अर्थात समस्या का समाधान खोज लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को देते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया, जिसे हमें सुनना चाहिए और साथ ही साथ आत्मसात भी करना चाहिए। पहला तो उन्होंने ये बात कहा कि बेटियों को बेटों के समान अधिकार मिलना चाहिए, और दूसरी आदर और सम्मानपूर्ण जो बात कही वो ये कही कि बेटियाँ जीवन भर प्यार करने वाली बेटियाँ बनी रहती हैं, वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, ये बात उन्होंने कही। ये बहुत बड़ी बात है एक स्त्री के सम्मान के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार का सम्मान, जिस प्रकार का आदर सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रियों के प्रति दर्शित किया है, उसी प्रकार का व्यवहारिक जीवन में भी उन्हें आदर और सम्मान की प्राप्ति हो। इसी विचारधारा के साथ आप सभी को प्रणाम, बाय और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से सुना। अगर आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है प्लीज़ ये भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दोस्त निशा मिश्रा, आपका चैनल मार्गदर्शन।